शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। गौरी, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी पैक कर दिया है। इतना सब हमारे लिए, हम कैसे? रख लो प्लीज। शुक्रिया श्रद्धा जी। गौरी, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी माँ। अपने बेटे के साथ जिंदगी के आखिरी पल बिताने के लिए ना मैं ये दुनिया भी छोड़ दूं, पर नहीं, मेरा इस घर से जाना ही अच्छा बेटा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगी ना, हर रोज किसी ना किसी बात पे लड़ाई होती रहेगी और मैं ये नहीं चाहती। और वैसे भी मैं गौरी को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकती ना। हाँ, आप कुछ भी बोलेंगे पर मैं नहीं मानने वाला, आप यहीं रहेंगी मेरे साथ। नहीं बेटा, मुझे जाने दो। पर माँ, अभय, जाने दीजिए ना। हाँ, मम्मी जी ने 2-3 दिनों से अपनी दवाई भी नहीं ली है, अगर उनकी बात नहीं मानी तो कहीं उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। और माँ की तबीयत, उनका ख्याल कौन रखेगा? श्रद्धा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अभय, हम सब हैं ना यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे। मम्मी जी को भी तो हमारी जरूरत है ना अभी। तू फिकर मत कर। अब मैं आपके लिए भी खाना पैक कर देती हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए। सब ठीक होगा। कैसी सी साड़ी पहनी है आपने, ये पहन के जाएंगी आप? नहीं, आप कुछ और पहन लीजिए प्लीज। ठीक है, तू कहता है ना तो बदल लेती हूँ। ऊपर छत पे एक साड़ी सूख रही है, वो पहन लूंगी। मैं लेकर आता हूँ। कौन से रंग की? पीले रंग की। अभी लेकर आता हूँ। लो बताओ, वहां वो गौरी रफा दफा होने की तैयारी में है और आप है कि यहाँ मुंह फुलाकर बैठी है। श्रद्धा ने उसके जाने का बंदोबस्त कर दिया है किसी महिला संस्था में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ऋतु। लीजिए तनुजा जी, इसी बात पे दवाई ले लीजिए प्लीज। नहीं, हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं उस देवयानी और उसकी चमची पे। जब तक हमारी नजरों के सामने वो दोनों अपना बोरिया बिस्तर लेकर हमारे घर के चौखट से बाहर नहीं चली जाती, तब तक हम नहीं मानेंगे। भैया, भाभी ने आपकी दी हुई वो साड़ी काफी दिनों से पहनी नहीं है। वही खिले खिले रंग वाली सुंदर सी साड़ी कहीं फट फुट तो नहीं गई? अब पता नहीं रितु, इन्होंने कहाँ रख दी है वो साड़ी। मुझे तो लगता है शायद इनको याद भी नहीं है कि वो मेरा पसंदीदा रंग है। आजकल हमसे ज्यादा तो वो दिव्यानी याद रहती है ना इनको। अरुण जी, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? वो साड़ी हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। अरे कल ही साड़ी धोई और उसे छत पे सुखाई ताकि उसे आज हम पहन सकें। ये लीजिए माँ, ये पहन लीजिए। पर बेटा, ये मेरी साड़ी नहीं है बेटा। जानता हूँ माँ, आपकी दूसरी साड़ी भी फटी हुई थी इसलिए ये वाली लेकर आया। श्रद्धा की शायद, मैं जानता हूँ वो बुरा नहीं मानेगी। पर आप पे अच्छी भी लगेगी माँ जी, ऐसे भी वहाँ संस्था में पता चला कि आप फटी हुई साड़ी पहन के गई
और वो लोग मन ही मन इन्हीं को दोष दे। ठीक है। थैंक यू। आप लोग तैयार हो जाइए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। इतनी देर हो गई, तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। श्रद्धा, छत पे हमारी साड़ी सूख रही थी, तुमने देखा है क्या? मम्मी जी, वो तो छत पर ही होगी। अरे नहीं भाई, नहीं है छत पे, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी साड़ी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें कहा था ना, औकात में रहो। मम्मी, माँ को ये साड़ी मैंने दी थी, उनकी साड़ी फटी हुई थी और कुछ दिखाने तो वही दे दी, मुझे लगा श्रद्धा की है। पर आप एक साड़ी के लिए माँ पे हाथ उठाने जा रही थी, इतनी सी बात पे आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। इतनी सी बात? तुम्हें पता भी है कि ये साड़ी हमारे लिए कितनी कीमती है? क्या कीमत है इसकी, हजार, लाख, कितनी? अरे साड़ी की कीमत तुम क्या, कोई भी नहीं चुका सकता है। तुम्हें पता है कि ये साड़ी तुम्हारे पापा ने अपनी पहली कमाई से हमारे लिए खरीदा था। अरे 35 सालों से हमने इसे संभाल के रखा था, तो अब तुम ही बताओ कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। आंटी जी, आप ये साड़ी मम्मी जी को वापस कर दीजिए, मैं आपको अपनी साड़ी दे देती हूँ ना। आइए ना। क्यों? माँ यही साड़ी पहनेगी। अभय, मम्मी जी के लिए ये साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं है, उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम इस बात को आगे और नहीं बढ़ाते, मैं अपनी साड़ी दे देती हूँ ना। बात को मैं बढ़ा रहा हूँ कि तुम? अच्छा ठीक है, अगर मम्मी की ये साड़ी फट जाए तो भी ये दोबारा पहनेगी उसे, क्योंकि पापा ने दिए उन्हें, नहीं ना? तो अभी क्यों इतना बवाल कर रही है? छोटी सी बात पे इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? मैं तो बस आपसे यही कह रही हूँ कि मेरे पास साड़ी है। मैं ये साड़ी नहीं बदलूंगी। मेरा मतलब है, वो साड़ी पहनते वक्त थोड़ी गंदी हो गई मुझसे, इसलिए धोखे दे दूंगी। ये नहीं मामी, अभी आप कुछ मत कीजिए, शांत रहिए। अभी ज्यादा जरूरी इसकी विदाई है यहाँ से, ताकि आपकी साड़ी, भरोसा रखिए हम है ना, बाद में इससे ये साड़ी वापस ले लेंगे। शांत रहिए। ठीक है तो जाइए, वैसे भी देर हो रही है ना, संस्था वाले इंतजार कर रहे होंगे। और नेक काम में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो निकलिए। चलिए अभय। खुश रहो, सदा सुहागन है। तनुजा, अनजाने में मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो तो उसके लिए माफ कर देना। अभी संभालिए अपने आप को, आप तो फ्लो रखी गई थी, ठीक है आप? ओके, टेक केयर।
दूसरे को संभालते संभालते कहीं खुद में फिसल जाइएगा पति जी। चलिए चलिए। हम उस औरत की चाल को अच्छे से समझते हैं। वो जानबूझकर हमारी साड़ी लेके गई है। भाभी, अभी भी आपको साड़ी की पड़ी है? मतलब आपको नजर नहीं आ रहा है कि उन दोनों के जाने से कितनी बड़ी बला टल गई? अरे कोई बला नहीं टली है। उस देवयानी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जरूर कोई षड्यंत्र रचेगी और फिर वापस इस घर में आ जाएगी और हमारे बेटे की भावनाओं के साथ खेलेगी वो। विजय जी, बहुत हो गया, बस कीजिए। देवयानी का इस घर से जाना जरूरी था और हम अब उसको वापस इस घर में कभी नहीं आने देंगे। हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी और पे नहीं तो आप कम से कम श्रद्धा भाभी पे तो भरोसा कीजिए ना। अरे क्या भरोसा रखे, तुम्हारी वो श्रद्धा भाभी है जो इस औरत को इस घर में लेके आई है, भूल गए क्या तुम? लेकिन अगर उसकी अकल ठिकाने आ गई है तो फिर उसे दोबारा उस देवयानी को इस घर में लाने की गलती नहीं करनी चाहिए। भैया, भाभी जो बोल कर गई उससे सुनकर तो अब हमें भी चिंता होने लगी है। माता रानी, श्रद्धा आज सब कुछ सही कर दे, बस वो बला टली रहे, हमारे परिवार से, हमारे घर से बस दूर रहे। ये बला ना इतनी जल्दी टलने वाली नहीं, इतना तो दिव्यानी आंटी जी को इतने दिनों तक देखकर हम समझ गए। बलाएं भी तो कई तो ऐसा रहे बीवी जी कि गले पड़ी रहे, जाए ना। पर उका भी ना एक अलग ही मजा रहा है बीवी जी। जैसे क्यों, भोली भाली लड़की गौरी। देखिए हमारी भी इज्जत है, समझे? अगर हम गुस्सा ही गए ना तो क्या कर लोगे? बताने के लिए बचा ही क्या है हमारे पास? बस निहारी सके अपनी बहादुर बीवी जी को। उम्मीद करते कि तुम्हारे सर से गौरी और बाकी सारी बलाओं का भूत उतर गया होगा। जिस काम के लिए इस घर में लेकर आए हैं ना, ध्यान सिर्फ दीदू और उसी पे रहे। बहुत रंग गहरे तेरे कीर्ति, तू जो करना चाहे, जितना उड़ना चाहे उड़े, और जे दिन गुलालवा का रंग उड़े ना, तेरा हर रंग दब जाएगा। अबे अगर कोई बात है तो बताइए ना। आपने रास्ते भर एक शब्द नहीं कहा है, किस बात से आप इतना परेशान हैं? क्या हुआ है? परेशान नहीं होगा तो और क्या। अरे माँ का इलाज चल रहा कैंसर का, और हम उन्हें वहां संस्था में छोड़ा इतनी औरतों के बीच में, कौन ख्याल रखेगा उनका? हम ख्याल रखेंगे अबे, बस कुछ दिन की बात है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। चलो हमें अपने सब्र का फल मिल गया और तुम दोनों अकेले आए हो, हमारा दिल बिल्कुल खुश हो गया। बस बस अब वो देवयानी अपनी शक्ल हमें कभी ना दिखाए। तुम जा भी नहीं, यारत तो देखिए। माँ, शक्ल तो नहीं दिखाई लेकिन अभी भी उसकी आवाज से पीछा नहीं छूटा हमारा। घंटा भर वक्त नहीं बीता और देखिए सीधा फोन कर दिया। हाँ माँ, सब ठीक है ना? आप क्या, कैसे? मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ अबे, बताइए ना, क्या कहा आंटी जी ने? बोलने सुनने को तुम छोड़ती कहाँ कुछ भी? कितनी बार बोला था मैंने, माँ को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, पर अपनी जिंदगी में कभी सुनी है तुमने किसी की? अबे, से कैसे बात करो तुम श्रद्धा से, और हुआ क्या है? कुछ होने के लिए थोड़ी चिल्ला रहा है दीदू पर, कमीज से बात करनी आती कहाँ है इसे। अरे उनके गए हुए अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है और देखो फोन पे फोन आना शुरू हो गया, ये सब ना उनकी नौटंकी है। चीती, हर टाइम मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाला हूँ। साड़ी थम जाइए। एक तो हमारी बीवी जी तुम्हारी अखन पे जो ये पट्टी पड़ी हुई है उसको खोलत रही, ऊपर से तुम पता नहीं कौन से चौड़ में गुस्सा रहे। देख
तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आज कुछ मत बोल, आज मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। थाड़ू जी, बीच में कोदन फानन की आदत तो तुम्हारी रही, हमारी शादी शुदा जिंदगी को तोड़े खातिर तुम ही बीच में थप से कूदे रहे, अब तो बतलाना रहा का हुआ। बोला था तुझे अभी मत बोल कुछ भी, सुनाई नहीं देता है क्या? क्या हुआ है अबे? इतना क्या उड़ने लगे तुम? थप्पड़ खा के मिल गया ना जवाब? हे भगवान, ये देवयानी पता नहीं कब हमारे बेटे का पीछा छोड़ेगी। वो जरूर कोई नौटंकी प्लान कर रही होगी। पता हमें तो लगता है वो दीदू को कुछ ऐसा वैसा बोल के फिर से वापस आ जाएगी घर में। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हार्दिक, हे भगवान, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ बेटा, तुम ना इन सबसे दूर ही रहो। आजकल जो घर में तनाव चल रहा है उससे तुम्हारे होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है। तुम आओ हमारे साथ, चलो चलो कमरे में आराम करो। आओ आराम से, आराम से। जी, अपने बच्चों के वास्ते ही सही, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। वरना मैं हीरो कौन है बे तू? यहां मरने चला आया? चल निकल यहां से। मेरी मां को हाथ भी लगाया ना तू, तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। आज देख अपनी मां को सुहा होते हुए तू अपनी आंखों से। पहले ये लौंडिया, फिर तेरी मां। रिजेक्ट, वरना इसे मार दूंगा। पिछली बार भी तू इसे मुझसे बचा के चली गई थी, लेकिन आज ये होशियारी नहीं चलेगी। नहीं, गौरी को कुछ मत करना, गौरी को कुछ मत करना। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, मगर आप इन्हें कुछ मत करना। हम जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा हुआ कट लिए, वरना इसकी गर्दन कट जाती। चलो। नहीं, वो मेरा सामान। हाँ सामान बाद में देख लेंगे, अभी चलिए। नहीं बेटा, वो तुम्हारी बचपन की फोटो है, उसमें वो ले जानी जरूरी है। अबे आप इन्हें लेकर जाइए, सामान मैं लेके आती हूँ, जाइए।
घर छोड़। मैं कह रहा हूँ ना तुमने जी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत नहीं तो दोबारा खराब हो जाएगी। अरे अब खराब होने को बचा ही क्या है अनुज जी, अभय और श्रद्धा दोनों घर में नहीं है, हमारा मन तो जैसे बैठा जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही है चाची जी, ऐसे लोग को ना बहुत अच्छे से पहचानते हैं, कहेंगे कि देखो ना फिर से गुंडे पीछे पड़ गए, इसीलिए दीदू को मजबूरी में उन्हें घर वापस लेकर आना पड़ा। मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं आप अपनी संस्था? कहाँ थे आप जब तीन गुंडे कमरे तक पहुंच गए? कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। नहीं नहीं सर, आज तक इतने सालों में हमारे महिला संस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप जैसे लोगों पर मुझे भरोसा ही नहीं है, मेरी माँ और गौरी यहाँ नहीं रहेंगे। अगर इन्हें घर वापस ले गए तो मम्मी जी की नाराजगी कोई संभाल नहीं पाएगा, क्या करूं? आप कमरे में जाके आराम कीजिए। नहीं बेटा, तुम्हें हमारी कसम, तुम सब यहीं रुक जाओ। ये है हमारे घर की लक्ष्मण रेखा, और इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की इजाजत हम नहीं देते हैं इस औरत को। हम भी माँ के साथ जा रहे हैं, या तो तुम मेरे साथ जाओगी या मेरा मरा मुंह देखोगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।